हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटा सा सेशन लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। इसमें मैं आपको बताऊंगी जो हमने अभी लास्ट में पेपर क्ले बनाया था, टिश्यू पेपर वाली, तो अगर वो आपकी ड्राई हो जाए तो घबराना नहीं है, उसको फेंकना नहीं है, उसको वेस्ट नहीं करना। तो आज उसको हमने कैसे ठीक कर सकते हैं हम उसको, वो मैं आपको बताने लगी। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये मेरा जो क्ले था ये ड्राई हो चुके है ना, ये देखिए किस तरह से टूट रहा है ना। पहले तो हम इसको मैच करके देखेंगे, अगर तो ये ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको फिक्स कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को आज मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, तो मैं इसमें से अभी थोड़ा सा आपके सामने करूंगी। ये देखिए सारी क्ले मेरी क्या हो गई है, ड्राई हो गई है इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने फिक्स किस तरह से करना है। इससे भी ज्यादा अगर ड्राई होगी तब भी हो जाएगी। सबसे पहले हमने उसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है क्ले को। ठीक है, अपने हैंड्स को हमने थोड़ा सा वेट करना है, जस्ट ये वेट किया मैंने दोनों हैंड्स को, और उससे मैं इसको नीट करूंगी वेट हैंड्स के साथ, जस्ट हमने इस तरह से इसको नीड करना है। अगर आपको थोड़ी ज्यादा हार्ड है तो आप हाफ स्पून या वन टीस्पून भी वाटर डाल सकते हैं। मैं अगेन थोड़ा सा डिप कर रही हूं क्योंकि ये भी हार्ड है काफी। इस तरह से हम इसको अच्छे से इसको हम वो मैश करेंगे। मुझे लगा ये भी, क्योंकि काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कई बार हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई होती है, थोड़ी एक्स्ट्रा बन जाती है तो वो पड़ी हुई थोड़ी वेस्ट हो जाती है। अभी भी ये मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है। एक बार और मैंने डिप किया है जस्ट अपने हैंड को, और मैं इसको अगेन इसको मैश करती हूँ। बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है हमने, ये देखिए काफी सॉफ्ट हो गई है अब ये। अगर फिर भी आपको लगे तो आपने क्या करना है, अब ज्यादा पानी हमने इसमें नहीं लेना। ये देखिए, वैसे तो ये मेरी क्ले जो है वो देखिए सॉफ्ट हो गई है ना, लेकिन बाय चांस अगर आपकी क्ले अभी भी थोड़ी लग रही है तो हम क्या करेंगे, कोई भी आप लिक्विड सोप लोगे कोई भी, और उसको हम, मेरी ये क्ले जैसे थोड़ी है तो मैं इसमें अराउंड हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाला, और इसको मैं मैश कर इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी। इससे क्या हो जाता है, हमारी क्ले की जो इलास्टिसिटी है वो भी बढ़ जाती है और ये क्ले बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। आप देखोगे बस इस तरह से आपने इसको, सबकी क्ले जो है वो आपने अच्छे से इसको नीड कर लेना। ये देखिए कितनी स्मूथ और सॉफ्ट, अभी जो हमारी क्ले बिल्कुल वेस्ट लग रही थी कितनी वो स्मूथ और सॉफ्ट हो गई है पहले जैसी, है ना। तो आपने इस तरह से अपनी क्ले को फेंकना नहीं है, अगर ड्राई हो जाती है तो हमने इस तरह से उसको सॉफ्ट कर लेना है। थोड़ा सा पानी जस्ट वेट हैंड्स करके, जब आपको लगता है कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो आप कुछ इसकी थोड़ी सी हम अपना ये कोई भी लिक्विड सोप, कोई भी
मेरे पास ये बर्तन वाला पड़ा था, विम बार। आपके पास जो भी है उसको आप बीच में थोड़ा सा डाल के, और ये देखिए कितनी सॉफ्ट स्मूथ। अभी जो हमारी क्ले का हाल, अभी आपको दिखाती हूँ जो थोड़ी सी उसमें से जो हमारी पोजीशन इसकी जो थी, ये देखिए इस तरह से हमारी ये क्ले थी, है ना। और अब ये कैसी हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ। तो आप लोगों ने, किसी ने भी क्ले को फेंकना नहीं है। इस तरह से हमने अपनी क्ले को दोबारा से फिक्स कर लिया है। अब आप इसको फिर से यूज कर सकते हो। अगेन इसको हम रोल करके, मेरी कुछ क्ले यहाँ पड़ी हुई है, मैं उसमें उसी में डाल देती हूँ। इसको अच्छे से आपने पॉलिथिन में रैप करके, ये देखिए मेरी एक और क्ले, ठीक है। आपने जब भी क्ले को यूज करना, उससे पहले उसको अच्छे से नीड जरूर करना है। अगर नीड करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, ये इस तरह से बिखर चुकी है ये आपकी क्ले, फिर आपने वाटर और ये जो मैंने लिक्विड सोप का बोला है, फिर आपने ये करना है, ठीक है। पहले आपने इसको अच्छे से हैंड्स में नीड करके देखना है कि अगर तो ये नीट हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नीट नहीं होगी तब हमने वो करना है। आप देखो मैं इसको नीट भी कर रही हूँ, तब भी ये थोड़ी बेटर हो गई, बट स्टिल इसमें जो क्रैक्स की जो लाइनें हैं, ये देखो साफ क्लियर विजिबल हो रही है ना। तो इस तरह से आपने अपनी क्ले को ठीक कर लेना है। आई होप दिस इज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर कर दूँ। ओके, बाय एवरीवन, बाय।